नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के राजघाट, ये देख रही है राजघाट। तो आज के वीडियो में मैं फिर से एक बार आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि अपने काशी का मॉडल घाट जिसका नाम है नमो घाट। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाना शुरू करते हैं और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस साइड से चलते हैं ऊपर। तो पार्किंग एरिया होते हुए तब मैं आपको लेकर चलूंगा नमो घाट। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा खासा व्यवस्था है बैठने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस साइड से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने के बाद देखिए इस साइड है चार पहिया वाहन का पार्किंग एरिया। अगर संडे के समय आएंगे तो ये जो देख रहे हैं ना पूरा पार्किंग एरिया, यानी कि चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहन का जो पार्किंग एरिया है वह फुल रहता है। इस समय ऐसा हाल है अपने वाराणसी के नमो घाट का। ये देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है बाइक पार्किंग। और उस साइड देखिए जब फुल हो जाएगा तो फुल का भी लग जाएगा, यानी कि फुल हो गया है पार्किंग। वैसे ये रास्ता जो है ये वाराणसी शहर के लिए भी चला जाएगा, और यही रास्ता जो है ऊपर से आप चले जाएंगे बाएं साइड से इस साइड आ जाएंगे राजघाट। देखिए फालूदा कुल्फी आइसक्रीम। जब से देखिए नमो घाट बनकर तैयार हुआ है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे दुकानें अभी खुल रही हैं, और कई सारे यहाँ पर ठेले भी लग चुके हैं, आइसक्रीम की दुकानें लग चुकी हैं, जैसा कि आप दाहिने और बाएं साइड में देख रहे होंगे। फिलहाल देखिए इस साइड भी देख रहे हैं कई सारा दुकान जो है वो रेडी हो चुका है। इस साइड देखिए गेल इंडिया की तरफ से ये लगाया गया है बोर्ड, और आगे जाने के बाद दाहिने साइड में है सीएनजी स्टेशन, जो कि रेट इस समय है 90 रुपये 67 पैसा। ये देखिए और देखिए इसके अंदर अलाउ नहीं है दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन, यानी इसमें जो कार्य कर रहा है उसी का गाड़ी अंदर जा सकता है। ये देख रहे हैं इस साइड देखिए काउंटर बन रहा है। इस साइड का भी आप देख पा रहे होंगे जो कि पूरी तरह से अब दुकान जो है पूरा खुल चुका है। तो चलिए मैं उस साइड भी लेकर चलूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले मैं इस साइड चलता हूँ, यानी कि फूड कोर्ट की तरफ, जो कि सबसे पहले यह जो दुकान था खुला हुआ था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कई सारे टेबल भी लग चुके हैं, कुर्सियाँ भी लग चुकी है, इस साइड देखिए बोर्ड भी लग चुका है। देख रहे हैं ना उस साइड देखिए वाटर कूलर है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं ना। अब देखिए धीरे धीरे शाम हो चुका है, तो चलिए लेकर चलते हैं नीचे। ये देख रहे हैं एक तरह से देखा है तो, जैसा कि मैं बता रहा था अपने एक पिछले वाले वीडियो में, कि एक तरह से एक सेल्फी पॉइंट भी बन चुका है, बहुत से लोग आराम भी कर रहे हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और सबसे खास बात यह है कि देखिए ये फैमिली के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये
घाट बना हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं बच्चों के लिए ट्रेन भी है इस साइड, देखिए कूदने के लिए है, सामने मिक्की माउस है और आगे एक बच्चों के लिए एक बोट राइड करने के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। देख रहा है इस साइड भी, देखिए एक पांडा ट्रेन जा रहा है। ये देखिए इस साइड है मिकी माउस, इस साइड देखिए है बंजी जंपिंग। ये देख रहे हैं ना दो ठो लगा हुआ है, एक इस साइड लगा हुआ है, एक आगे लगा हुआ है। और जैसा कि मैं बताया था इस साइड देखिए पार्किंग एरिया है और इस साइड है स्विमिंग पूल, अरे सॉरी यानी कि ये देख रहे हैं ना एक बोट राइड करने के लिए स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों देखिए वीडियो बनाते बनाते यानी कि ब्लॉग बनाते बनाते नमो घाट पर मिल गए मेरे एक सब्सक्राइबर, ठीक है, क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। अच्छा महेश शर्मा, और कहाँ रहते हैं? पचकोसी पे। अच्छा पचकोसी पे, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस यही कहना चाहेंगे कि भैया का वीडियो अच्छा लगता है देखने में। अच्छा अच्छा, हम देखते रहते हैं हर समय, इसलिए बोलते हैं सब लोग का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें भैया के चैनल को, बहुत अच्छा लगता है मेरे को देखने में वीडियो। चलिए ठीक है, और एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ठीक है ना, हाँ भाई। चलिए इस साइड से चलते हैं, इस साइड देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि इस साइड देखिए कई सारा जो दुकान है वह खुल गया है, चलिए इसको दिखाते हैं। ये देखिए इस साइड देख रहे हैं नारियल पानी का दुकान है, ये देखिए कैफे, आइसक्रीम, ये देख रहे हैं ना। और इसी प्रकार देखिए ये लाइन में पूरा बहुत से दुकान है जो कि खुल गया है, खुल रहा है, चलिए उसको भी दिखाते हैं। जैसा कि मालूम होगा इस साइड ऊपर है सीएनजी स्टेशन और इस साइड है बोट वाला सीएनजी स्टेशन, ये देख रहे हैं। और आगे जाने के बाद उस साइड आप देख पा रहे होंगे, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस साइड देखिए है स्विमिंग पूल तैरता हुआ गंगा नदी में। फिलहाल देखिए मेरे वीडियो में एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि भैया जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ में तो ये जो दुकान है ये तो डूब जाएगा, तो इसलिए देखिए यह जो दुकान है ये पूरा टेम्परेरी ही बना हुआ है, ये देख रहे हैं पूरा टीन सेट लगा हुआ है और दीवार के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं लोहे का राड इस्तेमाल किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि इसे देखा है तो आसानी से इसे हटाया जा सकता है। ये देखिए उस साइड का एक दुकान खुल चुका है, यानी कि केक का दुकान है, यानी केक का दुकान है, और इस साइड देख रहे होंगे जो कि कुछ दुकान है जिसमें ताला भी लगा हुआ है। ये देखिए ये देख रहे हैं ना। चलिए अब चलते हैं मेन जगह यानी कि जहाँ पर हाथ जोड़े हुए स्टेचू बना हुआ है, उस साइड आपको लेकर चलते हैं। इस साइड देख रहे होंगे जो कि कम भीड़ है, लेकिन वहाँ पर एक तरह से देखा है तो वो एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, चलिए लेकर चलते हैं वहाँ पर। उस साइड देख रहे होंगे जो कि एक नमो घाट का एक बोर्ड लगा हुआ है, अभी देखिए कुछ मिनट यानी कि बाद में जो बोर्ड है उसमें जो लाइटें हैं वो भी जलना शुरू हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत यह घाट भी लगने लगेगा। ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है और भीड़ भी देख रहे होंगे, ये देखिए ये आम दिनों की तरह यह भीड़ है, और संडे वाले दिन अगर आएंगे तो ये जो भीड़ देख रहे हैं इसका आपको चार गुना भीड़ देखने को मिलेगा इस नमो घाट पर। सामने देखिए नमो नमः,
ये देख रहे हैं ना, जैसा कि मैं बात कर रहा था, एक तरह से ये देखा है, एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये फोटो खिंचवाते हुए बहुत से लोग नजर आ रहे होंगे आपको, ये देख रहे हैं ना। और दोस्तों आपको बता दें कि ये देखिए नमो घाट फेज वन है, और फेज टू का जो कार हो रहा है वो उस साइड, वो पेड़ देख रहे हैं ना उस साइड से देखा है, तो उस साइड से आपका फेज टू शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, यानी कि उस साइड भी फोटो खिंचा रहा है और इस साइड भी। और सबसे खास बात ये देखिए, हाथ जोड़े हुए भी बहुत से लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।